फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा या फिर स्क्रीन पर देख पा रहे, तो फ्रेंड्स इस तरह की स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इसका ट्यूटोरियल जो वीडियो मुझे भेजा गया था उसमें जो मटेरियल्स यूज हुए थे उसमें से कुछ मटेरियल्स यहाँ पर मिसिंग है, जैसे मॉडल इमेज मिसिंग है। मैंने काफ़ी कोशिश किया बट मिला नहीं, और भी कुछ है जो वीडियो में आपको बता दूंगा। तब चलिए हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो भी मटेरियल यूज हो रहा है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, देन उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद चलेंगे फोन के स्क्रीन पे, ओपन करेंगे एलाइट मोशन एप्लीकेशन को और एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे एक जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आई फ्रेंड्स, चलते हैं फोन के स्क्रीन पर। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस है, नीचे प्लस का आइकन है, इस पे सिंपली टैप कीजिएगा। 900 लगा रेसो सेलेक्ट कर लीजिएगा, रेजुलेशन 1080 रखिएगा, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकता है, बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट पर क्लिक कर लीजिएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ प्लस का आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडिया वाले ऑप्शन में जाइएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी मटेरियल्स मैंने यूज़ किया सबका लिंक आपको दे दिया हो, तो आप उसे इजिली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इमेज हम इसे यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसे मूव एट ऑस फॉर्म में जाइएगा, रोटेट वाले पे क्लिक करके इसे यहाँ पे इस तरह से रोटेट कर लीजिएगा माइनस में 90 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ से बैक आइएगा, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे कंप्रेशन टू यहाँ पे आउटलाइन मैंने कर दिया, इसे सेलेक्ट करके 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिल कंप्रेशन नहीं कर दीजिए, पूरे स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आ जाएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, स्क्रीन पे टैप करना है, प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, मीडियम चले जाना है। फ्रेंड्स, जो भी सॉन्ग पे स्टेटस बनाना चाहते हो सॉन्ग को ले लीजिएगा, तो मैंने जो वीडियो बनाया था उसी से ले लेता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं, वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देंगे, ऑडियो मिल जाएगा, वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब ये वाली एरो पे क्लिक कीजिए तो आप लास्ट में आ जाएंगे, और ये वाला जो बैकग्राउंड इमेज लिया था उसे सिलेक्ट करके ये वाली ऑप्शन पर टैप कर दीजिएगा, आपका इमेज लास्ट तक आ जाएगा। अभी आपको स्टार्टिंग में आना है, यहाँ स्क्रीन पर टैप करना है, प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, मीडियम जाना है, एक तो PNG मैंने आपको दिया था इस PNG को ले लीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे फिल कंप्रेशन ये कर लीजिएगा, पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। मूव एट ऑस फॉर्म में जाइएगा, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो नीचे तक इसे हम इस तरह से लेकर आ जाएंगे, जितना पे आप रखना चाहें उतना पे रख लीजिएगा। तो या फिर आप उस वीडियो को यहाँ पर लेकर और दोनों बराबर कर सकते हैं सिंपली, जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मूव एट ऑस फॉर्म चलते हैं मीडिया में और इसे ले लेते हैं। अभी क्या कीजिएगा, इसका जो ड्यूरेशन है तो इसे कम कर दीजिएगा इस तरह से, तो आपको पता चलेगा। और नीचे वाला जो PNG आप लिए थे उसे सिलेक्ट कीजिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद इसे एडजस्ट कर लीजिएगा जितना पे भी आपको इसे रखना है। दोनों बराबर हो गया सेम, आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत अगर होगा तो इसे आप इस तरह से जूम आउट करके या जूम इन करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हो, परफेक्टली यहाँ पे सेटअप हो चुका है इस तरह से, कुछ ये यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से आप भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं तो इस तरह से बराबर कर सकते हैं वीडियो को देखकर। इस वीडियो को मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, तब शायद वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, इसका काम हो गया। अभी आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, मीडियम जाना है, और फिर से यहाँ पे एक टेबल जो वहाँ पे यूज हुआ है वो टेबल मुझे नहीं मिला, बट वो यहाँ पर एडजस्ट भी सही मुझे नहीं लग रहा था, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। तो फिर मैंने ये वाला टेबल यहाँ पर डाउनलोड किया था, वैसे मेरे पास काठ वाला टेबल भी था तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, आपको जो भी सही लगे, काठ वाला सही लगे तो काठ वाला का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से इसे एडजस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब स्क्रीन पे टैप कीजिएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इमेज पे यहाँ पे टेबल पे बैठने वाला इमेज है, मुझे ये वाला इमेज मॉडल इमेज जो भी यहाँ पर यूज हुआ एक भी नहीं मिला, बट मैंने कोशिश किया, जो भी एडजस्टेबल था उसे मैंने यहाँ पर अच्छे से एडिट किया और कोशिश किया हूँ कि इसे मैं एडजस्ट कर सकूँ। जो भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ सब मैंने आपको दे दिया, तो आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इमेज को रख लीजिएगा, इस तरह से मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ स्क्रीन पे टाइप करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, मीडियम जाएंगे, और फिर से यहाँ पे ग्रास वाला जो PNG है इसे ले लीजिएगा। लेने के बाद मूव ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, इसे थोड़ा सा इस तरह से जूम आउट करेंगे, और ये थोड़ा और जूम आउट करेंगे, ज़्यादा है, और इसे यहाँ पर इस तरह से सेट कर दीजिएगा। ठीक है, इस साइड से जो थोड़ा सा कट रहा था वो यहाँ पे गायब हो जाएगा। बस इसका काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे टैप कीजिए, आप लास्ट में आ जाएंगे, इस चारों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और इसका ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बनाने के बाद इसे सिलेक्ट कीजिए, इस वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए, आप लास्ट में आ जाएंगे। तो देख सकते, इसका काम यहाँ पर हो चुका है। अब जो इमेज वहाँ पर जंप कर रहा था वो वाला इफेक्ट हमें देना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 5-5 सेकेंड पर यहाँ पर एक तो बीट लगा लीजिएगा इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आया और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बीट लग गया। फिर आपको 10 सेकंड पे जाना है, मतलब 5 सेकंड के बाद तो 10 सेकंड पे ही जाना है, 5-5 सेकंड पे लगाना है तो यहाँ पे। फिर 15 सेकंड पे जाना है इस तरह से, यहाँ पे
यहाँ पे इसी तरह से पूरा 5-5 सेकंड पे लास्ट तक कर लीजिएगा। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, मीडियम जाना है और फिर यहाँ पे आपको पीएनजी इमेज, जो भी इमेज पे आप बनाना चाहते हो उस इमेज का पीएनजी ले लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला मैं इसे ले लेता हूँ। लेने के बाद मूव एट शो में चलेंगे, इसे नीचे की तरफ इस तरह से स्लाइड कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है इतना पे। और फिर इस वाले एरो पे दो बार टैप कीजिए तो आप 5 सेकंड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए तो आपका इमेज जो है सो यहाँ तक आ जाएगा। अभी मूव एट शो में जाना है, स्टार्टिंग में जाकर यहाँ पे एक की लगाना है, लास्ट में जाकर एक की लगा लेना है। अब इसके बीच में आ जाइएगा, मतलब 2.5 सेकंड पे, 2.30 पे आपको आ जाना है, ठीक है यहाँ पे, ओ 2.30 ये रहा, ठीक है यहाँ पे की लगाइएगा। की लगाने के बाद इसे ऊपर की तरफ आपको इस तरह से स्लाइड करना है, इतना तक आप लेकर आ सकते हैं, अब अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, तो यहाँ तक हम रख लेते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, इस दोनों की के बीच में आइएगा, एक और वाला ऑप्शन पर टैप कीजिएगा, इस वाले को पूरा ऊपर और इस वाले को इतना तक रख लीजिएगा। 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कॉपी कर्व कर लीजिएगा, दूसरी साइड में आइएगा, 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, पेस्ट कर्व कर दीजिएगा, ये फ्लिप वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए, फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। एक और इमेज में लेकर आपको दिखाता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसे कैसे करना है कि ये आपको अच्छा लगे। तो यहाँ स्क्रीन पर टैप करते हैं, प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं, मीडियम चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट इमेज ले लीजिएगा, जो भी इमेज आप यूज़ करना चाहते हैं, और फिर इसे नीचे की तरफ इतना पे एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से बैक करके ए वाला एरो पे दो बार टैप कीजिएगा, आप 10 सेकंड पे आ जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिएगा, आपका इमेज 10 सेकंड आ गया। मूव एट शो में जाइएगा, यहाँ पे की लगा लीजिएगा, इसके लास्ट में जाइएगा, यहाँ पे भी की लगाइएगा, फिर आपको यहाँ पे इसके बीचों बीच आ जाना है, तो 7:30 पे इसे लेकर आना होगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, दोनों फिंगर की मदद से इसे छोटा कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितना पे आपको यहाँ पर रखना है, बीचों बीच आ जाइएगा एकदम परफेक्टली, देख सकते हैं यहाँ पे बीच में, अगर 1-2 सेकंड यहाँ पे इधर उधर हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना पे हम रखते हैं, ये थोड़ा फिंगर से करने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद इसे ऊपर तक लेकर आ जाइएगा, जितना तक आप इसे रख सकते हैं, तो यहाँ तक रखते हैं। सिंपली फिर इस दोनों की के बीच में आइए, कॉर्ड वाले को सेलेक्ट कीजिए, 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर्व कर दीजिएगा, दूसरी साइड में जाइएगा, 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, पेस्ट कर्व कीजिएगा, और ये फ्लिप वाला ऑप्शन पर टैप कर दीजिएगा, फ्लिप हो जाएगा, ठीक है इसका काम हो गया। तो अभी आप इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट ये ऊपर है तो आपको क्या करना है, जो ग्रुप हम बनाए थे उस ग्रुप को सिलेक्ट कीजिएगा, ग्रुप को लेकर ऊपर कर दीजिएगा, बस हमारा एडिटिंग इतना ही करना है। आप पूरा इमेज कंप्लीट कीजिएगा, इस तरह से प्ले कीजिएगा, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। कंटिन्यू मैं नहीं प्ले कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, इसलिए कि कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्या कीजिए, जो बीट आप लगाए थे उस बीट को हटा दीजिएगा यहाँ से। ये बीट मैं हटाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, क्रिएट सिंगल सेलेक्ट कीजिए, 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे फिल कंप्रेशन एरिया कर लीजिएगा, ये पूरा स्क्रीन पर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको ये वाले एरो पर क्लिक करना है और फिर से एक बार क्लिक कीजिए तो लास्ट में आ जाएगा, फिर इस पर क्लिक कीजिएगा पूरा लास्ट तक आ जाएगा। अगर बीट लगा होता तो हर बीट पे ये रुकता, इसलिए मैंने आपको बोला था बीट हटा देने के लिए। अब कलर एंड फील में जाइएगा, यहाँ पे ब्लैक वाला कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा, अब स्क्रीन पे टैप कीजिएगा और इसे लेकर ग्रुप से नीचे कर दीजिएगा इस तरह से, आप देख सकते हैं ग्रुप के नीचे ही आ गया। अब इस वाले ब्लैक वाले को सेलेक्ट कीजिएगा, इफेक्ट में जाइएगा, एड फिल्ड पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर शेडल में चले जाइएगा और फिर से यहाँ पे सिंपल स्टार फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग कर दीजिएगा। तो अभी यहाँ पे स्टार फील्ड जो देख रहे हैं छोटा छोटा आ रहा है, बट आपने वहाँ पे जो वीडियो में जो मटेरियल मुझे आया था उसमें आप देखे होंगे, या फिर मैंने जो एग्जाम्पल के लिए प्रीव्यू वाला वीडियो दिया था उसमें बड़ा बड़ा था। तो आपको क्या करना है, स्केल पर क्लिक करके इसे थोड़ा जूम कर देना है, ज़्यादा नहीं हल्का सा कीजिएगा तो थोड़ा ऊपर आ जाता है। फिर साइज़ पर जाकर इसका साइज़ आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो यहाँ पर इतना साइज़ में रहने देता हूँ। और फेदर पे जाकर इसका फेदर बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक ही साइज़ बढ़ रहा है, और साइज़ थोड़ा सा और इसे हम बढ़ाते हैं यहाँ पे, और फिर थोड़ा नीचे कीजिएगा, यहाँ पे अमाउंट जो इसका थोड़ा कम कीजिएगा, ठीक है अमाउंट इसका कम कर दीजिएगा, यहाँ पे इतना सही है, या फिर थोड़ा और कम करते हैं अमाउंट इसका, इतना रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ब्राइटनेस जो देख सकते हैं, तो इसका ब्राइटनेस हम थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि आप देखे होंगे वहाँ पर ब्राइटनेस जो था उसका थोड़ा कम था। और यहाँ पे और भी आप और भी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे इसका स्केल आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, इतना पटाने देता हूँ मैं। अब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, प्लस करना है, इसके लास्ट में जाना है, प्लस करना है, वाई को सिलेक्ट कीजिएगा और वाई को इस तरह से अब 200 तक कर दीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा, धीरे धीरे से यहाँ पर आएगा, ठीक है इतना। अब इसके स्टार्टिंग में अगर इसे प्ले करेंगे तो देख सकते हैं, ओह सॉरी यहाँ पर की लगा ही नहीं था, ये क्या हो गया, स्केल में की लग गया था, ठीक है फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके स्टार्टिंग में आते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं, फिर इसके लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं और इसे 200 तक करना था, तो ये 200 यहाँ पे है, ये स्टार्टिंग में जाकर इसे 0 कर देते हैं, ठीक है। शुरू में की लगाना है और लास्ट में की लगाना है। अब इसे प्ले कीजिए, कुछ इस तरह से आएगा,
तो देख सकते हैं हल्का हल्का सा नीचे की तरफ यहाँ पे डाउन हो रहा है। अब यहाँ से बैक की जगह ब्लेंडिंग में जाएगा और यहाँ पे आपको लाइटन पे क्लिक करके इसे स्क्रीन कर देना, कुछ इस तरह से आएगा। इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका अमाउंट थोड़ा सा कम कर दीजिए, मतलब ब्राइटनेस इसका कम कर दीजिएगा, थोड़ा और कम करते हैं यहाँ पे। अब आप इसे प्ले कीजिएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेम एडिटिंग होकर कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पे इमेज और जो बेंच था इसका मैंने मिसिंग है इसमें, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, काफ़ी इजी स्टेप में एडिटिंग कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये वाला जो एडो है इस पर क्लिक कीजिएगा, एक्सपर्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिए, ये वीडियो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।